वेल हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आप देख रहे हैं ऐशूज कॉर्नर। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाओ स्किन साइंस के कुछ और प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आज मैं मैंगो रेंज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, यानी कि बाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प शैम्पू, देन बाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प कंडीशनर एंड देन फिर आप लोगों के साथ बाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प हेयर मास्क, इनों के ही रिव्यूज़ मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ वो ये है, बाओ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है, तो क्यों ना हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अपने ही देश में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा बाओ स्किन साइंस के सारे ही प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने के जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस शैम्पू की, तो इस शैम्पू के अंदर 95.1% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने के जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। तो इस वजह से भी मुझे बाओ स्किन साइंस के सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा बाओ स्किन साइंस के सारे ही प्रोडक्ट्स पर आपको कुछ इस तरीके का QR कोड मिल जाएगा, जिसको स्कैन करके आप इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाओ स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तक ऑनलाइन साइट्स पर ही अवेलेबल थे, लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, बट अब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपके नियर बाय कौन से स्टोर पर आपको इसका शैम्पू या इसका कंडीशनर या इसका फेस वॉश मिलने वाला है, तो जल्दी से बाओ ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपने नियर बाय स्टोर को फाइंड कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने ड्राई स्काल्प, ब्रिटल, डैमेज स्ट्रैंड्स को रिस्टोर कर सकते हैं विद दिस मॉइस्चराइजिंग गुडनेस ऑफ बाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प शैम्पू। ये शैम्पू हमारे स्काल्प में होने वाले सीबम को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, साथ ही साथ हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज्ड भी रखता है। हमारी हेयर की इलास्टिसिटी को साथ ही साथ स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में ये शैम्पू हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आप इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखना चाहते हैं तो आप इसे कंसिस्टेंट बेसिस पर यूज़ करें। ये शैम्पू डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट एंड हर हेयर टाइप के लोग इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। ये शैम्पू हमारे स्काल्प को साथ ही साथ हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा डीपली नरिश्ड कर देता है, साथ ही साथ अंदर तक जाकर जितनी भी गंदगी हमारे स्काल्प में या फिर हमारे हेयर्स में होती है उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, साथ ही साथ मॉइस्चर बैरियर को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे जो स्काल्प है, हमारे जो हेयर्स हैं, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होते हैं इसे यूज़ करने के बाद। ये हमारे बालों को एक बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देने में हेल्प करता है, हमारे स्काल्प को साथ ही साथ हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर देता है, स्ट्रैंड्स को प्रोटेक्शन देता है, ब्रेकेज को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, साथ ही साथ ब्रिटलनेस को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसके अंदर मैंगो एक्सट्रैक्ट इन्फ्यूज़्ड है जो कि हमारे हेयर एंड स्काल्प को नरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं मैंगो पल्प कंडीशनर की। आप अपने ड्राई, ब्रिटल, डैमेज स्ट्रैंड्स को रिवाइव कर सकते हैं विद द मॉइस्चराइजिंग गुडनेस ऑफ बाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प कंडीशनर। ये हमारे रफ स्ट्रैंड्स को सॉफ्टनेस ऐड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेयर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर देता है। हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड लग्जूरियस नज़र आते हैं इसे अप्लाई करने के बाद। इसके अंदर 94.5% नेचुरली डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ ब्रेकेज को कम करता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड हर हेयर टाइप्स के लोग इस कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंगो एक्सट्रैक्ट, मैंगो बटर, स्वीट आमंड ऑयल प्रेजेंट होता है। सारी ही चीज़ें हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। आप इसे कंसिस्टेंट बेसिस पर यूज़ करें रिजल्ट्स देखने के लिए। इसके अंदर जो नेचुरल एक्टिव्स होते हैं हमारे रफ़ क्यूटिकल्स को स्मूदन करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारे हेयर्स में लशनेस को ऐड करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर मैंगो बटर इन्फ्यूज़्ड है एंड ये जो कंडीशनर है हमारे बालों को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम यूवी रेज। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे बालों में से बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन आती है, साथ ही साथ फ्रेग्रेंस इसका बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड फ्रूटी है। मुझे इसका जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब बात कर लेते हैं बाओ स्किन साइंस मैंगो पल्प हेयर मास्क की। पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर मैंगो एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी में,
हमारे बालों को साथ ही साथ स्काल्प को बहुत ज़्यादा डीप नरिशमेंट ये देता है। सीबम को बैलेंस करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें मैंगो बटर प्रेजेंट है, जिसके अंदर विटामिन ए विटामिन ई प्रेजेंट है, असेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, हमारे ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर देता है, साथ ही साथ हमारे रफ क्यूटिकल्स को स्मूदन करने में हेल्प करता है, हमारे स्ट्रेंड्स को प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा इसमें स्वीट आमंड ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर विटामिन B1 विटामिन B6 विटामिन ई प्रेजेंट होता है, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे स्ट्रैंड्स को प्रोटेक्शन देता है, हमारे बालों की खोई हुई शाइन को लौटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसमें कोकोनट ऑयल भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हेल्दी मीडियम चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे हेयर्स को रिपेयर करने में मदद करता है, मॉइस्चर को रिप्लेनिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड हर हेयर टाइप्स के लोग इस हेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इसे कंसिस्टेंट बेसिस पर यूज़ करें। इसके अंदर 94.5% नेचुरली डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो नेचुरल एक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे रफ क्यूटिकल्स को स्मूदन करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारे हेयर्स में लशनेस को ऐड करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि यूवी रेज हमारे हेयर्स के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, तो यूवी रेज से भी ये जो हेयर मास्क है हमारे हेयर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है। इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी हैं, किसी के भी अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, यानी कि इनके अंदर किसी भी तरीके के मिनरल ऑयल नहीं हैं, पैराबीन्स नहीं हैं, सिलिकॉन्स नहीं हैं, ना ही इसके अंदर किसी भी तरीके के कलर्स एडेड हैं। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा नरिश्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस हमारे बालों में से आती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड फ्रूटी सेंट इसके अंदर से आता है। तो मुझे ये जो हेयर मास्क है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हेयर मास्क को हमारे बालों में अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड करने के लिए हम एक कोम की मदद से इसे अच्छी तरीके से अपने बालों के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं एंड हमें अपने बालों के टिप तक इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना होता है एंड फॉर 20 मिनट्स इसे हमें अपने बालों में लगे रहने दें, उसके बाद हमें वॉश कर लेना है। आप देख पाएंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड एंड बहुत ज़्यादा नरिश्ड हो चुके हैं। ये हमारे बालों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पतली प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बालों का ब्रेकेज होता है वो कम से कम होता है। इसको यूज़ करने के बाद रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड आपके हेयर का जो टेक्सचर है वो किस तरह का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरा वीडियो है आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप इस मैंगो रेंज को ज़रूर ट्राई करेंगे एंड मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये जो शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर मास्क है आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अगर मेरी जो वीडियो है आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही एंड मेरी वीडियो को आप अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। चलिए गाइस, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।